नमस्कार दोस्तों, सिस्क न्यूज में आपका स्वागत है। आज चला है 6 सितंबर। फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, कंगाल पाकिस्तान ने एक और देश को दे दिया धोखा। कंगाल पाकिस्तान ने JF-7 इन फाइटर भेजा म्यांमार। पूरी तरह से पोल खुल के सामने निकल के आ रही है, निकला है पूरी तरह से कबाड़। पाक से नाराज हुआ म्यांमार, बताएंगे इसके बारे में। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें G20 शिखर सम्मेलन में किन मुद्दों पर बात होने वाली है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी COVID-19 पॉजिटिव पाई जा रही है। 2 दिन बाद होने वाली है G20 की बैठक, जानेंगे इसके बारे में आखिर बाइडेन आ रहे हैं कि नहीं। वही चलते हैं, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोलंबिया में 2 विद्रोही समूहों के बीच आपसी झड़प, 9 की हो गई है मौत, आखिर क्या वजह रही, जानेंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, ड्रैगन ने अपने दोस्त के पांव पर ही कुल्हाड़ी मार दी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, चीन ने पहले भारत के नस्के को अपने कब्जे में किया, तो अब वहीं देखा जाए खास तौर पर अपने दोस्त यानी रूस के भी हिस्से को अपने कब्जे में ला रहा है, लेकिन पुतिन ने इसका करारा जवाब दिया, बताएंगे इसके बारे में। वही यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर बर्खास्त मंत्री का बयान क्या निकल के आ रहा है, बताएंगे। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में हिंदू समुदाय का करारा विरोध, अपहरण अजरकता के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं लाखों लोग, जानेंगे इसके बारे में। जेलेंस्की का फरमान क्या निकल के आ रहा है, जी दोस्तों बताएंगे इसके बारे में। यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत जंगल में महिला तैनात हो गई है, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही, पाकिस्तान ईसाइयों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर मस्जिद में फिर से हुआ हमला, फरमान हुआ है जारी, बताएंगे इसके बारे में। तमाम बड़ी खबरें निकल के आ रही है, जिन्हें जानना आपको बेहद जरूरी है। वही महंगाई का भी असर लगातार बढ़ता जा रहा, 56 रुपए यूनिट हो गई है बिजली बिल, IMF नहीं दे रहा राहत, इंकार कर दिया है, बताएंगे इसके बारे में। ऐसी तमाम बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जिनको जानना आपको बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दबाइएगा, देश और दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को पाने के लिए। दरअसल पहली और सबसे बड़ी खबर, कंगाल पाकिस्तान ने एक और देश को करारा धोखा दे दिया है। उसके द्वारा बनाया गया JF-17 फाइटर पूरी तरह से कबाड़ निकला है, यानी कि देखा जाए अब पूरी छवि जो सामने है आ रही है पाकिस्तान की, असली छवि अब धीरे धीरे पाकिस्तान के सामने आने लगी है, किस तरह से लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है। पाकिस्तान कंगाली की हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान के सैन्य हथियार भी इस कारण अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, कई सैन्य हथियारों को खास तौर पर कबाड़ में फेंक दिया गया है, वही दूसरी तरफ कई में तो जंग लग चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने म्यांमार को जो फाइटर जिर दिए थे वो भी कबाड़ निकले हैं, इससे म्यांमार पाकिस्तान की काफी नाराजगी जाहिर की जा रही है। सन 2016 में पाकिस्तान और म्यांमार में हुए जिर खरीद समझौते में पाकिस्तान ने खराब लड़ाकू विमान की आपूर्ति म्यांमार की सेना को दी थी। पाकिस्तान द्वारा म्यांमार को दिए गए लड़ाकू विमान JF-17 थंडर को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। सैन्य शासन बल ने गड़बड़ी बताया, जवाब देने के लिए इस्लामाबाद को एक सख्त संदेश भी भेजा गया है। पाकिस्तान ने इस विमान की आपूर्ति सन 2019-21 के बीच सभी को संचालन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। डिलीवरी के तुरंत बाद इसमें खराबी के चलते पाक म्यांमार के रिश्ते में तनाव आ गया। वही देखा जाए म्यांमार में नजरिया न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार JF-17 काफ़ी ज़्यादा ख़राब निकल रहा है। देश पाकिस्तान ये विमान खरीदना चाहता था और उसके कदम पीछे खिंच गए हैं। अब खास लैटिन अमेरिका देशों में इसी तरह से विमान बेचने के लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे करारा झटका लगा। म्यांमार सैन्य शासन ने पाकिस्तान के विमान खरीदने पर नई चर्चा शामिल होने से इनकार कर दिया। कंगाल पाकिस्तान पूरी तरह से आर्मी पर पहले डिपेंड रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे यह भी खत्म होता जा रहा है। गौरतलब है पाकिस्तान में 2-3 वर्षों से लगातार उथल पुथल जारी है, वो चाहे आर्थिक संकट रहा हो या फिर चल रही राजनीतिक उथल पुथल क्यों न रही हो। ऐसे आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, पाकिस्तान में हिंदू समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन। जी हाँ, हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं लोग। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक की हालात लगातार बद से बदतर किए जा रहे हैं और ये जगजाहिर भी होता जा रहा है। आए दिन उन पर अत्याचार की खबरें निकल कर आ रही हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कम्बोसर जिले में हिंदू समुदाय द्वारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कसमोर जिले में हिंदू समुदाय लगातार अराजक और फिरौती के लिए अपहरण पीड़ितों की बरामद करने में अधिकारियों की विफलताओं से काफ़ी परेशान है। देखा जाए कसमोर में हिंदू व्यापारी और समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाया जा रहा है, लगातार अपहरण घटनाएं पूरे प्रांत में फैली हुई हैं और इन सब से लगातार देखा जाए वसूली भी की जा रही है और इसको लेकर जमकर विरोध किया जा रहा है। कसमोर में हिंदू समुदाय ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया,
प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सिंधु राजमार्ग को कम से कम 34 घंटे के लिए अवरुद्ध कर दिया, जिससे सिंध प्रांत का सड़क मार्ग बलूचिस्तान और पंजाब से कट गया। प्रदर्शनकारियों ने स्वतंत्रता और न्याय के लिए नारे लगाए। उन्होंने कसमोर जिले एवं उनके आसपास समुदाय के अपने परिजनों और अन्य लोगों के चल रहे अपहरण के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनका बदमाशों ने फिरौती के लिए अपहरण कर लिया था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हिंदू व्यापारी और उनके परिवारों का अपहरण किया जा रहा है और अधिकारियों ने खास तौर पर बताया कि बरामद करने पर भी उन्हें नहीं पकड़ा जाता, छोड़ कर दिया जाता है। कसमोर में एक हिंदू व्यापारी और उसके बेटे सागर कुमार का अपहरण किया लिया गया था और उस पर 20 दिन हो गए हैं। अभी तक अपहरण कार्यकर्ताओं ने खास तौर पर नहीं छोड़ा सागर को और मारपीट का वीडियो लगातार वायरल किया जा रहा है। ऐसे आप किस तरह से देख रहे हैं, मेरा कमेंट के माध्यम से देना भूलेगा। एक और अपडेट, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी कोविड-19 पॉजिटिव निकल के आ रही। दो दिन बाद नई दिल्ली में होने वाली G20 की बैठक। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी अमेरिका की प्रथम महिला जी बाइडेन कोविड-19 पाई जा रही और इसे संक्रमित हो चुके हैं। कोविड-19 के हल्के लक्षण महसूस हो रहे हैं। व्हाइट हाउस में एक बयान जारी किया गया है। फिलहाल उन्हें डिलीवर कर दिया गया है। बड़ी बात निकल के आ रही है, आखिर G20 के शिखर सम्मेलन में अब जो बाइडेन शामिल हो रहे हैं कि नहीं। वैसे आपकी क्या राय, इसको लेकर अपनी राय देना ना भूलेगा। चलेंगे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। जी हाँ, बड़ी अपडेट है। चीन के नए नस्के से रूस में भी खलबली मची है। अपने दोष के ऊपर भी चाकू रख दिया है ड्रैगन ने। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। आपको बता दें कि चीन ने पिछले हफ्ते 28 अगस्त को एक नया मैप जारी किया, जिसमें उन्होंने भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बना लिया है और इसके अलावा उन्होंने खासकर रूस ने अपने क्षेत्रों में मिला लिया। इसको लेकर रूस ने भी चिंता जाहिर कर दी और चीन को दावा कर खारिज कर दिया। आपको बता दें कि अब तक रूस और भारत के अलावा इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया, नेपाल, ताइवान नए मैप को लेकर विरोध कर रहे थे। चीन ने अपने नए मैप में जमीन से लेकर समुद्री एरिए चीन क्षेत्र में दिखाया गया है। चीन को रूस का सबसे नज़दीकी दोस्त माना जाता था रूस को, लेकिन आज सबसे बड़ा टकराव आ गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि ड्रैगन ने रूस के सभी एरिया को अपने मैप में दिखा लिया है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी आपको बता दें, पुतिन और किम जोंग उन रूसी खासकर खतरनाक डीलों से घबरा चुके हैं जो अमेरिका दिया करता था। आपको बता दें, उत्तर कोरिया के तानाशाह किंग जोंग उन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए रूस जाने वाले हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस यात्रा के दौरान किंग जोंग पुतिन से यूक्रेन जंग में हथियारों की आपूर्ति और सैन्य सहयोग पर बात करेंगे। एक अमेरिकी अधिकारी ने ब्रिटिश वेबसाइट द दर्जिंग को खास तौर पर ये बातें कही हैं। अपेक्षित बैठक विवरण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर कोरिया में इसकी निकटता तो देखने को मिल रही है। यह रूसी बंदरगाह शहर लविस्तो में शामिल रहने वाला है। यहाँ पर नियोजित उन यात्राओं और अटकलों को लेकर जहाँ पर युद्ध जैसे मॉस्को शहर है, यहाँ पर भी बैठकें होंगी। और देखा जाए तो अब जहाँ अब तक रूस का मदद करने के लिए कोई हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा था, वहीं अब उत्तर कोरिया आगे निकल के आ रहा है रूस की मदद करने के लिए, रूस और यूक्रेन युद्ध में। जैसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। पाकिस्तान से खबर निकल के आ रही है, तो बड़ी खबर, ईसाइयों पर मस्जिद से हमले का जारी हुआ फरमान। चर्चा में अल्लाह का नाम लेकर हम आ रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में ईसाई समुदाय पर लगातार अपराध हो रहा था। इसी बीच मंगलवार सुबह लाहौर की एक मस्जिद में ईसाइयों पर हमले का निर्देश जारी कर दिया गया है। लाहौर के शेखपुरा इलाके में एक ईसाई युवक और कुछ स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया। तुरंत बाद मुसलमानों को एक स्थानीय मस्जिद में इकट्ठा होने के लिए बुलाया गया। इसके बाद ईसाई समुदाय के सदस्यों ने क्षेत्र में पलायन करना शुरू कर दिया और एक वीडियो की मदद से यह सब देखा जा सकता है। आपको बताते चलें कि इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें ईसाई समुदाय का एक शख्स आज सुबह अपनी आप बीती बता रहा है। प्रशासन से भी मदद मांगी जा रही है। ऐसे वैसे फैसलाबाद ईसाइयों को डराने के लिए उर्दू के संदेश भी लिखे जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि हम आ रहे हैं। दरअसल फैसलाबाद के रामट टाउन इलाके में एक चर्च की बाहरी दीवार पर मोहम्मद अल्लाह के नाम के शब्द लिखे हुए थे। इस दौरान चर्च की दीवार पर यह लिखा गया, हम आ रहे हैं। चर्च के लोगों के मुताबिक यहाँ यदि चर्च की दीवारों पर लिखा मोहम्मद या अल्लाह के नाम को
हटाते हैं तो उनके खिलाफ ईशा निंदा की तरह मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। इसी तरह से लगातार अल्पसंख्यकों के ऊपर पाकिस्तान में अत्याचार किया जा रहा है। जैसे आप किस तरह से देख रहे हैं, और पाकिस्तान में क्या आप जल्द ही अल्पसंख्यक खत्म हो जाएंगे या फिर उनसे डटकर लड़ना चाहिए, अपनी राय दीजिएगा। चलेंगे एक और बड़ी खबर। जी हाँ, पाकिस्तान से ही खबर है, आपको बता दें बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंगाल हो चुका पाकिस्तान, अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। आपको बता दें महंगाइयों के सारे रिकॉर्ड चूत चुके हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बिजली हो या फिर पानी या फिर पेट्रोल हो, कोई किसी के खरीदने की बस की बात नहीं रह गई है। पाकिस्तान में आम लोगों के घरों में बिजली बिल हज़ारों रुपये आ रहे हैं। ज़रा सोचिए, अगर उसके शहर में बिजली 56 रुपये प्रति यूनिट हो जाए तो इसका क्या हाल होगा। दिक्कत बस इतनी भर है कि पाकिस्तान में 7 रुपये प्रति यूनिट बिजली में इजाफा हो गया है। यकीन मानिए कि अब खास तौर पर 83 रुपये प्रति यूनिट देना पड़ जाएगा। हिसाब अगर कोई परिवार 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, इसका बिल मौजूदा हिसाब से 5600 रुपये आने वाला है। अगर वहीं 200 यूनिट यूज कर ले तभी 11000 का आंकड़ा भी पार हो जाएगा। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, और ये आज कोई पहला दिन नहीं है। 17 महीनों से लगातार इसी तरह की महंगाई पाकिस्तान में अग्रसर है। अपनी राय इसको लेकर कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। और इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।